ऐसा विचार आ जाता है ना, हम तो बाबा के बच्चे बने हैं, फिर ऐसा क्यों। कल ही मेरे पास किसी का फोन आया था, शायद वो दिन में मुरली सुनने वाले। उसने ऐसा कहा, मैं मुरली भी सुनता हूँ, मैं अमृत वेला भी करता हूँ, खान पान की धारणा भी ठीक है, सेवा में सहयोगी भी बनता हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों जीवन में समस्याएं, विघ्न, घाटा, ये सब चल रहा है। क्यों चल रहा है? फिर मैंने कहा कि चेक करो, कहीं ना कहीं कुछ कमी तो होगी। अमृत वेला क्या आपका अच्छी तरह लगता है? अमृत वेले में बुद्धि एकाग्र हो, बाबा से कनेक्शन जुड़ता है? कहते हैं हाँ, सब कुछ ठीक है। तो फिर मैंने कहा, फिर आप एक काम कीजिए, इंतजार कीजिए, क्योंकि कई बार ना हमारे हिसाब किताब बहुत ज्यादा होते हैं और बाबा धीरे धीरे करके हर हिसाब को कट करा रहे हैं। हमें सिर्फ इंतजार करना है, वेट एंड सी। कहते हैं ना वेट एंड सी। इंतजार कैसे? देखो, आपने देखा क्रिकेट का खेल होता है, उसमें दो टीम होती है, एक टीम का एक बार नंबर आता है बैटिंग का, दूसरे बॉलिंग करते हैं। तो उसमें भी आप देखते हैं कि कभी कभी जो दूसरी टीम है वो भी कभी चौका कभी छक्का वो भी मारेगा ना, क्योंकि उनका नंबर आया हुआ है। तो बस क्या करो, इंतजार करो कि कब बाबा की बैटिंग आएगी और बाबा हमारे जीवन में एक के बाद एक छक्के छक्के सिक्सर ही सिक्सर लगाएगा। तभी तो गायन है ना, कि जब भगवान देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। तो बस बाबा की बैटिंग का इंतजार करो। ड्रामा है ना, तो ड्रामा कुछ ऐसा बना हुआ है, रावण को भी इसमें चांस। जैसे कोई फिल्म होती है तो फिल्म में जो हीरो होता है, मुख्य हीरो, उसके परिवार के साथ कुछ ना कुछ ट्रेजेडी होती है, कोई विलेन है, कुछ उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो फिल्म का कुछ ऐसा दृश्य बनाया जाता है कि हीरो थोड़ा सा लेट आता है। तभी थोड़ा सा जब हीरो आता है तो बहुत तालियां बजती हैं कि बस अब इनके परिवार पे जो जो विलेन थे, वो जो नुकसान कर रहे थे, पिटाई कर रहे थे, अब हीरो आ गया, अब ये इनको बचाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा। तो बाबा भी इस सृष्टि का मुख्य एक्टर, मुख्य डायरेक्टर, सब कुछ है। तो बाबा का इंतजार करो कि कब बाबा अपना असली रूप दिखाएगा। तब तक हम बस उनको याद करते रहें, बस उनको दिल से, जैसे कई बार कहा ना, दिल से कहो मेरे बाबा मेरे साथ ही आ जाओ। बस हमारा तो यही कर्तव्य है, नुकसान तो होना ही नहीं है। और बाबा ने यहां तक कहा है कि अगर कुछ हो भी गया ना तो भरपाई मैं करूंगा, निश्चिंत हो जाओ। ठीक है, कभी ये संशय नहीं आए, इतना योग, इतना सहयोग हम कर रहे हैं, कभी मुरली मिस नहीं करते, फिर ऐसा क्यों, फिर ऐसा क्यों, ये संशय है। संशय बुद्धि का आपको पता है क्या होता है, और निश्चय बुद्धि विजयंती, ये पक्का है।